तो देखो हम लोग क्लास टेंथ के अभी जो है नेक्स्ट लेक्चर में हैं, और लास्ट लेक्चर में मैंने आपको अमोनियम के सॉल्ट की मैकेनिज्म सिखाई थी कैसे डिकम्पोज होते हैं। थोड़ा एक बार रिवाइज कर देता हूँ फिर आगे हम लोग देखते हैं, ठीक है ना। तो देखो ध्यान से, अमोनियम का नाइट्राइट हो, नाइट्राइट आपको अच्छे से पता है नाइट्राइट रेडिकल क्या होता है, याद करो तो वो था आपका NO2-। नाइट्रेट क्या था तो याद हो आपको तो NO3-। डाइक्रोमेट क्या था याद करो, Cl2O7-, ठीक है ना। बाकी देखो क्लोरेट हो, क्लोराइड हो, परक्लोरेट हो, हाइपोक्लोराइड हो, कुछ भी हो, ठीक है ना। तो इससे इन सबको अगर हम लोग गर्म करते हैं, सबके लिए मैग्नीशियम जरा ध्यान से देखना। मैं मैग्नीशियम में कल आपको बोला था कि अमोनियम का कोई भी सॉल्ट हो या कोई भी सॉल्ट हो कोई मतलब नहीं है तुमसे, किसी भी कंपाउंड का कोई भी सॉल्ट हो उसमें हाइड्रोजन हो, ऑक्सीजन हो, और उसके अंदर क्या हो नॉन मेटल, उसके अंदर क्या हो नॉन मेटल और प्लस उसके अंदर क्या हो मेटल, ध्यान में रखते रहना। हाइड्रोजन हो, ऑक्सीजन हो, नॉन मेटल हो, मेटल हो, और इसको आपको थर्मली अगर डिकम्पोज करना है तो हमेशा याद रखो रूल का पहला पार्ट ये है कि आप क्या करिए, हाइड्रोजन ऑक्सीजन कंबाइन करा के मैक्सिमम मॉइस्चर जो है निकाल दीजिए, ठीक। फिर देखो ध्यान से, अब देखना ध्यान से, फिर इसके बाद मान लो कि कंटेनर के अंदर ओनली नॉन मेटल बचा है, क्या बचा है तुम्हारे पास, ओनली नॉन मेटल मान लो रिमेनिंग है, तो नॉन मेटल का जो आपका स्टेबल प्रोडक्ट होगा वो बना देंगे। फिर मान लो तुम्हारे पास मेटल है, मान लो सिर्फ तुम्हारे पास मेटल बची है, मेटल ओनली अगर बचा हुआ है तो मेटल का स्टेबल प्रोडक्ट बना देंगे। फिर देखते रहना ध्यान से, फिर अगर मान लो इसके अंदर तीसरा केस, तीसरे केस में देखो ध्यान से कि तीसरे केस में मैं ऐसा बोलूं इस कंटेनर के अंदर मेटल भी बचा है, नॉन मेटल भी बचा है और ऑक्सीजन भी बची हुई है, तो मेटल जो है ठीक है ना इसके लिए ज्यादा रिएक्टिव होती है मेटल के लिए। जैसे देखो मेटल और नॉन मेटल दोनों हैं, तीनों हैं इस कंटेनर में, तो जब भी मेटल भी बची हो नॉन मेटल भी बची हो तो ऑक्सीजन के लिए ज्यादा रिएक्टिव कौन सी होती है, मेटल। तो मेटल और ऑक्सीजन ये करा के आपको अच्छे से पता है प्रोडक्ट में हम लोग क्या बना देंगे, मेटल का ऑक्साइड, क्या बना देंगे मेटल का ऑक्साइड, अच्छे से याद रखते हैं। मैं लिख दे रहा हूँ मेटेलिक ऑक्साइड, यहाँ पे बना दीजिएगा जो भी मेटल की वैलेंसी हो, नॉन मेटल हो जो भी अपने फॉर्म में रहती हो उसके फॉर्म में बना देना। फिर अगला देखो ध्यान से, अगर मान लो ऑक्सीजन खत्म हो गई तब तो ठीक है, अब ऑक्सीजन अगर नहीं खत्म हुई, ऑक्सीजन बची हुई है तो बचे हुए ऑक्सीजन को नॉन मेटल के साथ में जोड़ देना, बात क्लियर हो गई, ठीक है ना। चौथा केस भी देखो हो सकता है कि पानी निकालने के बाद, हो सकता है कि पानी निकालने के बाद मेटल बच जाए और नॉन मेटल बच जाए, तब भी कोई डेंजर की जरूरत नहीं है, मेटल भी लिख देंगे प्रोडक्ट में और नॉन मेटल भी लिख देंगे प्रोडक्ट में। आई होप बहुत अच्छे से आपको क्लियर हो गया होगा, ये सांप सीढ़ी जो मैंने बनाई है इसको आप अच्छे से कॉपी कर लेना। अब मैं इसके एग्जांपल लिखता हूँ तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है ना। तो चलिए देखिए, सबसे पहला एग्जाम्पल आपसे बोलेगा NH4NO3 को गर्म करो क्या होगा बताओ जरा, ठीक है ना। तो अमोनियम नाइट्रेट है, ये क्या है तुम्हारा, सॉरी अमोनियम नाइट्रेट। तो देखो नाइट्रोजन कितने हैं बोलो इधर पे, दो। हाइड्रोजन कितने इधर बोलो, चार। ऑक्सीजन कितने इधर बोलो, तीन। हम लोग क्या निकालेंगे, वाटर मॉलिक्यूल, तो वाटर मॉलिक्यूल का फॉर्मूला H2O, हाइड्रोजन चार है, टू H2O कर दो, पूरे खत्म हो गए। अब जब हाइड्रोजन चार खत्म हो गए तो ऑक्सीजन इधर देखो दो खत्म हो रहा है, ऑक्सीजन रिमेनिंग बच गया एक, नाइट्रोजन बच गया दो, तो नाइट्रोजन बचा हुआ नॉन मेटल है, ऑक्सीजन खा जाएगा, देखो क्या बन गया तुम्हारा N2O, क्लियर हुआ। फिर अगला देखो ध्यान से, सेकंड रिएक्शन अपना देखिए, इन सब एग्जांपल में है, ध्यान से देखते रहिए, कुछ नए रिएक्शन भी मिलेंगे आपको। सेकंड रिएक्शन देखो ध्यान से, मैं अगर बोलूं अमोनियम नाइट्राइड NH4NO2 को गर्म करो क्या होने वाला है, NH4NO2 को गर्म करो क्या होने वाला है, क्या निकालिए बोलिए, वाटर मॉलिक्यूल H2O, कितना हाइड्रोजन है देखो 2H2O। अब देखना नाइट्रोजन यहाँ था दो, हाइड्रोजन यहाँ था चार, ऑक्सीजन यहाँ था दो, पूरे देखो कट पिट गए, ठीक ना। नाइट्रोजन दो बचा हुआ है तो प्रोडक्ट में देखो कौन सी गैस हो गई, नाइट्रोजन गैस, कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी, ठीक है ना। हम लोग थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, अगर मान लो तुम्हारे पास अमोनियम डाइक्रोमेट है NH4 2 Cl2O7, इसके नाम आप लिखते रहिएगा, क्या है बोलो, अमोनियम डाइक्रोमेट, अमोनियम नाइट्राइड, अमोनियम नाइट्रेट। क्वेश्चन कैसे आएगा, व्हाट हैपेंड व्हेन अमोनियम नाइट्राइड इज स्ट्रॉन्गली हीटेड, ठीक है ना। तो अमोनियम नाइट्राइड स्ट्रॉन्गली हीटेड होगा, अमोनियम नाइट्रेट स्ट्रॉन्गली हीटेड होगा, कैसे होगा आपको समझ में आ रहा होगा, इधर अपन हीटअप करते ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो
देखो नाइट्रोजन कितने हैं, दो, हाइड्रोजन कितने हैं, चार, क्रोमियम कितने हैं, दो, और ऑक्सीजन कितने हैं, सात। क्या करना है, सबसे पहले वाटर मॉलिक्यूल निकालिए आप। तो वाटर मॉलिक्यूल देखो क्या हो गया तुम्हारे पास, 4H2O, ठीक है ना, 4H2O। देखो हाइड्रोजन कितना है, हाइड्रोजन देखो चार है, तो हाइड्रोजन को चार करने के इसको पहले 2H2O कर दो। अब देखना खूब अच्छे से क्या क्या बचा हुआ है, क्या हाइड्रोजन देखो कितना है, 4, 2, 8, गड़बड़ लिख रहा था मैं, हाइड्रोजन कितना है देखो 8 है, ठीक है ना। तो हाइड्रोजन अगर 8 मॉलिक्यूल बचा हुआ है, 8 मॉलिक्यूल बचा हुआ है, तो हाइड्रोजन कितना है देखो 8, ठीक है ना, और ये देखो 4, 2, 8 में ट्वाइस मतलब ये होता है नाइट्रोजन तो हो गया। तो अब देखो मुझे वाटर मैक्सिमम निकालने दो, तो हाइड्रोजन देखो टोटल 8 है, तो यहाँ 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 4H2O। अब देखो जब हाइड्रोजन पूरे पूरे खत्म हो गए, ऑक्सीजन देखो चार ऑक्सीजन खत्म हुआ है, तीन जरा यहाँ माइनस कर दो, तो बल्कि चार में कितने माइनस करोगे, देखो 4 ऑक्सीजन खत्म हो गया, तो चार यहाँ से माइनस कर दो, ऑक्सीजन बच गया 3, मतलब ऑक्सीजन के 3 आइटम रह गए हैं कंटेनर में। अब देखो कंटेनर के अंदर नाइट्रोजन भी बचा है, कंटेनर के अंदर क्रोमियम बचा है। नाइट्रोजन क्या है, नॉन मेटल, क्रोमियम क्या है, मेटल। कौन रिएक्ट करेगा, मेटल के लिए ऑक्सीजन ज्यादा सेंसिटिव होती है। तो ये देखो क्या लिया मैंने, क्रोमियम, ये क्या लिया मैंने, ऑक्सीजन। क्रोमियम की बैलेंस, क्रोमियम कितने हैं देखो 2, ऑक्सीजन कितने हैं 3, तो प्रोडक्ट में देखो आप, तो प्रोडक्ट में क्या हो गया देखो Cr2O3 प्लस, देखो ध्यान से नाइट्रोजन बचे हुए हैं, और नाइट्रोजन कितने बचे हुए हैं बोलो, 2 नाइट्रोजन बचे हुए हैं, तो दोनों नाइट्रोजन जोड़ के देखो प्रोडक्ट बना दो, और ये ग्रीन कलर का प्रेसिपिटेट होता है क्रोमियम का, कलर आपको बताऊंगा टेंशन मत लीजिए, ठीक है ना। तो ये ग्रीन रेजिड्यू सॉलिड प्रोडक्ट होता है ये। तो कभी कोई क्वेश्चन पूछता है ग्रीन रेजिड्यू, ये आया हुआ क्वेश्चन है जेई मेंस का, लेकिन पढ़ना देखो टेंथ में है, है ना, मतलब टेंथ की बुक में ऐसा ये रिएक्शन नहीं है, लेकिन आपको ये हीटिंग इफेक्ट पढ़ना है, तो हीटिंग इफेक्ट पूरा पढ़ना है, ठीक है ना। तो अच्छे से ये सब ध्यान में आपको बैठ गया होगा। एक और कर देता हूं मैं, मान लो ठीक है ना, अमोनियम जो है, एक और क्वेश्चन दिखा दो तुम्हें। तो अब देखो मान लो तुम्हारे पास, तो ये जो मैंने ये साफ सीढ़ी बनाई है, इसको प्लीज अच्छे से आप कॉपी कर लीजिएगा अपनी लैंग्वेज में, ताकि आपको भूले नहीं है, ठीक है ना। तो चलिए अगला देखिए रिएक्शन हम लोग बात करते हैं, है ना, थर्ड रिएक्शन हो गया था हम लोग, अब फोर्थ रिएक्शन की बात करते हैं। तो फोर्थ रिएक्शन में आ जाओ, जैसे मान लो मैं तुमसे बोलूं कि तुम्हारे पास NH4ClO4 है ना, अब इसको गर्म करोगे क्या होगा, तो अब फिर वही कहानी, अपने पास रूल बचा हुआ है, टेंशन मत लीजिए भाई। रूल क्या बोलता है, हाइड्रोजन कितने हैं, हाइड्रोजन दिख रहे हैं चार, है ना। अब अपने पास देखो अब जो है नाइट्रोजन कितने दिख रहे हैं, नाइट्रोजन तो एक ही दिख रहा है। क्लोरीन कितना दिख रहा है, एक दिख रहा है। ऑक्सीजन कितना दिख रहा है, चार दिख रहा है। सबसे पहले क्या करेंगे, वाटर मॉलिक्यूल निकाल दीजिए, हाइड्रोजन चारों खत्म हो जाए बहुत अच्छी बात रहेगी। तो चारों हाइड्रोजन खत्म हो गए, अब यहाँ से 2 ऑक्सीजन खत्म हो गया और 2 ऑक्सीजन देखो बच गया, 2 खत्म हो गया और 2 ऑक्सीजन रिमेनिंग है। अब देखना ध्यान से क्या है तुम्हारे पास, नाइट्रोजन है, क्लोरीन है और ऑक्सीजन है। ध्यान से देखो, ये नाइट्रोजन भी नॉन मेटल, क्लोरीन भी नॉन मेटल और ऑक्सीजन भी नॉन मेटल। नाइट्रोजन भी नॉन मेटल, क्लोरीन भी नॉन मेटल और जो है ऑक्सीजन भी नॉन मेटल। मैंने क्या बोला था याद करो, जब सिर्फ नॉन मेटल बचे, देखो जब सिर्फ नॉन मेटल बचे तो नॉन मेटल का जो ओरिजिनल स्टेट होता है उस स्टेट में हमें इसको बना के रख देना है। तो नाइट्रोजन रूम टेम्परेचर पे किस फॉर्म में, N2 के फॉर्म में। क्लोरीन रूम टेम्परेचर पे किसके फॉर्म में, Cl2 के फॉर्म में। ऑक्सीजन रूम टेम्परेचर पे किस फॉर्म में, O2 के फॉर्म में। अब तो रिएक्शन बैलेंस करना है, तो शायद यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो हाइड्रोजन हो गए कितने तुम्हारे 8 और ऑक्सीजन भी हो गए तुम्हारे, हाइड्रोजन हो गए कितने तुम्हारे 8 और ऑक्सीजन कितनी हो गई तुम्हारे पास 8। तो पहले हाइड्रोजन बैलेंस कर दो, ये कितना हो गया देखो 4H2O, हाइड्रोजन हो गया बैलेंस, ऑक्सीजन यहाँ देखो 4, यहाँ पे केवल 2, 6, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दो, सब कुछ बैलेंस हो गया है ना। मस्त टेक्निक, ठीक ना, सिंपल सा टेक्निक है, याद रखे रहिएगा, मजा आया होगा। ठीक, एक क्वेश्चन और करिए आप, जैसे मान लो मैं तुमसे बोलूं, ठीक है इधर का इरेज करता हूँ, एक क्वेश्चन और बताइए आप जल्दी से। जैसे मान लो मैं पूछूं कि तुम्हारे पास फिफ्थ एग्जांपल, मैं तुमसे बोलूं कि NH4IO3 गर्म करो, प्रोडक्ट क्या बनेगा, बहुत अच्छे से सॉल्व करके बताइए, NH4IO3 को गर्म करोगे क्या बनेगा, बोलो फट से, ठीक है ना। क्या करेंगे, सब चीजों को देख लेते हैं क्या बचा है क्या है, चलिए लिखते हैं हम लोग। तो नाइट्रोजन का 1 एलिमेंट है, हाइड्रोजन के 4 है, ऑक्सीजन के 3 है, आयोडीन का 1 है। पहले क्या करेंगे, वाटर बनाएंगे, तो अब देखो वाटर बना दो भाई H2O, अब H2O बन गया तो हाइड्रोजन 4 है, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दो। अब 2 जैसे मल्टीप्लाई किया, ध्यान से सुनना, ऑक्सीजन 2 घट गया, ठीक ना, और ऑक्सीजन का एटम 1 बच गया। तो देखना ध्यान से, नाइट्रोजन 1 बचा,
ऑक्सीजन एक बचा हुआ है, आयोडीन जो है एक बचा हुआ है, तीनों नॉन मेटल है, तो नॉन मेटल का ओरिजिनल स्टेट बना दो। नाइट्रोजन किस फॉर्म में? N2 के फॉर्म में। ऑक्सीजन किस फॉर्म में? O2 के फॉर्म में। आयोडीन किस फॉर्म में? I2 के फॉर्म में। बाकी काम आप कर लेंगे, रिएक्शन बैलेंस करने, ठीक ना, मजा आया ना। तो ये है रिएक्शन की मैकेनिज्म। अब दुनिया में कहीं भी अमोनियम सॉल्ट तुम्हें दिखे तो यही रूल तुम्हें याद रखना चाहिए और सारी चीजें आपकी होती चली जाएंगी। तो देखो हम लोग और कुछ क्वेश्चन करते हैं ताकि और आपको समझ में आए। देखिए जरा ध्यान से, अमोनियम क्लोराइड को गर्म करोगे क्या बनेगा, है ना, तब इसके लिए रूल देखो ध्यान से। अब अभी तक रूल आपने पढ़ा था कि जब भी आपके पास रिएक्टेंट में क्या हो, या तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन हो, तो क्या करते थे, मैक्सिमम वाटर मॉलिक्यूल आप यहाँ पे डिस्प्लेस करा देते थे। अब देखो यहाँ पे वाटर तो है नहीं, मतलब आप देखो तो ऑक्सीजन है नहीं, तो वाटर यहाँ निकलेगा नहीं, तो मतलब अपने को अब ये दूसरा देखना पड़ेगा भाई कि दूसरा मैकेनिज्म देख लिया जाए। तो अब देखो ध्यान से, जब भी याद रखो ऐसे क्या है तुम्हारे पास, देखो नॉन मेटल है ना, देखो नॉन मेटल है, सिर्फ नॉन मेटल्स हो, मतलब जैसे नॉन मेटल हो और नॉन मेटल में देखो क्या है कि कोई भी नॉन मेटल रहे, ठीक ना, और जो है सिर्फ नॉन मेटल का कॉम्बिनेशन हो, बट इसमें जो है ऑक्सीजन ना हो, ठीक ना। तो मैं ऐसे लिख दे रहा हूँ कि जब भी नॉन मेटल का ही कंपाउंड हो, जब भी नॉन मेटल और नॉन मेटल का ही कंपाउंड हो, तो आप क्या करिए, अगर इसको हीटअप करेंगे, ठीक ना, यहाँ से याद रखना, बट ठीक ना, कोई भी नॉन मेटल बट नो एनी बट नो ऑक्सीजन, ऐसे लिख दे रहा हूँ, दोनों में जो नॉन मेटल है ऐसा ज्यादा अच्छा रहेगा। नॉन मेटल हो, नॉन मेटल और नॉन मेटल का कंपाउंड हो, लेकिन ये दोनों, ठीक ना, जो है ऑक्सीजन ना हो, नॉट ऑक्सीजन, अच्छे से याद रखते रहना, नॉट ऑक्सीजन, दोनों तीनों जो भी रहे वो कोई भी ऑक्सीजन ना हो। तो जब भी ये नॉन मेटल का कंपाउंड ऐसे डॉट डॉट करके लिख दे रहा हूं, तो क्या करना कि जो नॉन मेटल है ना, उनका जो भी स्टेबल प्रोडक्ट होता है, नॉन मेटल के कॉम्बिनेशन का जो भी स्टेबल प्रोडक्ट होता है, नॉन मेटल है ना, मतलब याद रख दे रहा हूं मैं, तुम्हें क्या करना है, एक नॉन मेटल को दूसरे नॉन मेटल के साथ में जोड़ के, ठीक ना, इसका स्टेबल प्रोडक्ट देखना है, स्टेबल प्रोडक्ट देखना है कि कौन कौन से स्टेबल प्रोडक्ट देखने हैं, ये याद रखो। तो स्टेबल प्रोडक्ट कैसे देखेंगे ये देखो जरा ध्यान से, देखो NH4Cl है ना ये, तो अब NH4Cl को अगर गर्म करोगे, यहाँ देखना, फिर वहां प्रोडक्ट में लिखूंगा NH4 और Cl, तो देखो नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन है, क्लोरीन है, तो अब देखो नाइट्रोजन हाइड्रोजन के कॉम्बिनेशन का प्रोडक्ट क्या होता है, स्टेबल प्रोडक्ट NH3, और देखो हाइड्रोजन और क्लोरीन का स्टेबल प्रोडक्ट क्या होता है, HCl। तो मैं फिर से देखो, इस कंपाउंड में नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन है, क्लोरीन है, तो नाइट्रोजन हाइड्रोजन के कॉम्बिनेशन NH3, और नाइट्रोजन और जो है हाइड्रोजन और क्लोरीन का कॉम्बिनेशन क्या हो गया, HCl। मतलब आप देखो ध्यान से, कोई एक कॉमन होना चाहिए, ऐसा नहीं मतलब जैसे नाइट्रोजन हाइड्रोजन क्लोरीन लिखा हमने, जिस ऑर्डर में लिखे हैं उसी ऑर्डर में ऐसे लिख लिया करो। अब नाइट्रोजन और क्लोरीन का कोई मत बताने लगना कंपाउंड, ठीक है ना, मतलब नाइट्रोजन का अलग कंपाउंड बना देंगे और क्लोरीन का अलग कंपाउंड बना देंगे, ठीक है। देखो क्या हो गया, जब भी अमोनियम क्लोराइड को गर्म करेंगे तो NH3 और क्या हो जाएगा, HCl। हमेशा याद रखते रहिएगा, अमोनियम क्लोराइड को गर्म करोगे NH3 प्लस क्या हो जाएगा, HCl, ठीक ना। इसके साथ में मैं एक नोट लिख दे रहा हूँ, हमेशा याद रखो इफ प्रोडक्ट इज NaCl, ठीक है ना, इफ प्रोडक्ट इज NaCl, तो हमेशा इसको तोड़ देना है, इफ प्रोडक्ट इज, ठीक ना, अच्छे से याद रखो, एन जो है NH4Cl, सॉरी मैं NaCl बोल रहा था, इफ प्रोडक्ट इज NH4Cl देन इट ऑलवेज कन्वर्ट, ठीक ना, देन इट ऑलवेज कन्वर्ट इंटू, हमेशा याद रखो, कन्वर्ट इंटू NH3+HCl। ऐसा इसलिए क्योंकि क्या होता है, ये हाईली वोलाटाइल होता है, बिकॉज, ठीक है ना, ये हाईली क्या होता है, अनस्टेबल, हाईली अनस्टेबल, अच्छे से याद रखते रहना, हाईली अनस्टेबल या वोलाटाइल, ऐसे लिख रहा हूँ मैं, ठीक है ना। वोलाटाइल इसलिए तुरंत क्या होता है, टूट जाता है, दिमाग में आ गया होगा। अब देखो अमोनियम सल्फाइड को गर्म करना है, किसको गर्म करना है, अमोनियम सल्फाइड को, फिर से देखो, तो नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन है, सल्फर है, इसके दोनों का कॉम्बिनेशन नाइट्रोजन हाइड्रोजन अमोनिया, ये दोनों कंबाइन करेंगे, देखो H2S, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जब अमोनियम सल्फाइड को गर्म करेंगे तो क्या बनेगा, देखो NH3 और प्लस क्या बन जाएगा, H2S, रिएक्शन बैलेंस कर लेना,
हाइड्रोजन देखो 8 है, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दो, नाइट्रोजन भी 8 जो है बैलेंस हो गया 2, हाइड्रोजन 6 और 2 इधर से 8, कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी। अगला देखते हैं हम लोग, इसको गर्म करते हैं ठीक है ना। तो अब अमोनियम सल्फेट, अब आ गया तुम्हारा ऑक्सीजन वाला है ना, तो जब ऑक्सीजन वाला आ गया तो जरा ऑक्सीजन वाला रूल लगा दीजिए फट से। तो अमोनियम सल्फेट को गर्म करते हैं, जरा ध्यान से देखते हैं क्या होता है। तो अमोनियम सल्फेट को जब हम लोग गर्म करेंगे रूल के अकॉर्डिंग पहले देखते हैं क्या आंसर आता है। तो आप देखो कैसे बनाएंगे हम लोग आंसर, अमोनियम सल्फेट ठीक है ना। ये देखो क्या है, अमोनियम सल्फेट को जब आप गर्म करोगे NH4 twice SO4, जब भी आप इसको हीटअप करोगे तो नाइट्रोजन कितना है देखो 2, हाइड्रोजन कितना है ठीक है ना, हाइड्रोजन है देखो 8 है ना, और जो है ऑक्सीजन कितना है देखो 4 और सल्फर कितना है 1। तो पहले देखो क्या निकालते हैं, पानी, ध्यान देखते रहना, ये क्या हो गया देखो 4H2O है ना, ऑक्सीजन चारों खत्म हो गई, हाइड्रोजन भी पूरे खत्म हो गए, बड़ी अच्छी बात हो गई भाई ठीक है ना। अब देखो नाइट्रोजन 2 बचा हुआ है और सल्फर 1 बचा हुआ है, तो नाइट्रोजन और सल्फर के कॉम्बिनेशन का कोई कंपाउंड बनता है क्या, नाइट्रोजन और सल्फर के कॉम्बिनेशन का कभी तुमने कोई कंपाउंड सुना है क्या, नहीं सुना है, कभी नहीं सुना है ठीक है ना। तो अब देखो ध्यान से, ये रूल में वाटर तो निकल गया, ऑक्सीजन भी पूरी खत्म हो गई, तो क्या बस इतना बस नाइट्रोजन ऐसे 2 लिख दिया जाए, सल्फर 2 लिख दिया जाए, ऐसा कर दिया जाए क्या, तो ऐसा ये नहीं होता है। इसके लिए हमेशा याद रखो, जब भी अमोनियम सल्फाइड को जब भी अमोनियम क्लोराइड को जब भी अमोनियम कार्बोनेट को हमेशा याद रखो, ये सबको जब गर्म करते हैं ना तो ये एसिड बनाते हैं, क्या बनाते हैं, एसिड बनाते हैं, इसको याद रखते रहिएगा। तो इस वाले रूल को भी वैसे ही समझिए, देखो ध्यान से, नॉन मेटल नाइट्रोजन है, नॉन मेटल सल्फर है और हाइड्रोजन है, तो क्या होगा, ये देखो इसके साथ में, ये देखो इसके साथ में, और प्लस देखो ऑक्सीजन भी है। तो हमेशा याद रखो क्या करना है, देखना सबसे पहले नाइट्रोजन हाइड्रोजन का कॉम्बिनेशन बनाओ और ये क्या बन गया देखो NH3 प्लस, देखो ध्यान से अब हमें क्या करना है, एसिड बनाना है ना इसको, तो HO और S के कॉम्बिनेशन का एसिड बना दो, तो इसका जो कॉम्बिनेशन का एसिड होता है वो क्या होता है देखो H2SO4 ठीक है ना। ऐसे देखो अमोनियम ये रूल को, वो जो रूल उधर पड़ा था उससे अच्छा देखो ट्रिक बना लो, इन सब क्वेश्चन के लिए देखो ट्रिक बना लो एक, तो ये गड़बड़ नहीं होगा। क्या ट्रिक हो गई, अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम सल्फाइड, अमोनियम सल्फेट, अमोनियम कार्बोनेट, अमोनियम ऑक्सीडेट, अमोनियम हाइड्रोफॉस्फेट और अमोनियम फॉस्फेट, इसको अगर गर्म करना है तो देखो क्या करना है, नाइट्रोजन के साथ NH4Cl है तो अमोनिया और बाकी बचा हाइड्रोजन को इसके साथ में एसिड बनाओ। तो देखो NH3 निकाला, H और S का कॉम्बिनेशन H2S, अमोनियम सल्फेट है, अमोनिया निकाला और जो है हाइड्रोजन सल्फर ऑक्सीजन का कॉम्बिनेशन के एसिड H2SO4। ये देखो अमोनियम कार्बोनेट है, तो पहले क्या करेंगे अमोनिया बनाएंगे, अब देखना हाइड्रोजन कार्बन ऑक्सीजन के कॉम्बिनेशन का एसिड कौन सा है देखो H2CO3, ये स्टेबल होता नहीं है, हमेशा याद रखो प्रोडक्ट में कभी भी अगर H2CO3 बने तो इसको हमेशा तोड़ के हम लोग किसमें लिख देंगे देखो H2O+CO2 में, इसको हमेशा याद रखे रहिएगा, प्रोडक्ट में अगर आपको ये बने तो तुरंत इसको H2O+CO2 में तोड़ देना। फिर इसकी भी कहानी हम लोग देखते हैं, फिर से देखो क्या होगा, अमोनियम ऑक्सीजनेट है, पहले अमोनिया बनाइए, फिर हाइड्रोजन ऑक्सीजन के कॉम्बिनेशन का एसिड बनाएंगे, हाइड्रोजन कार्बन ऑक्सीजन के कॉम्बिनेशन के एसिड देखो क्या हो जाएगा H2CO3 यानी कार्बोनिक एसिड, फिर से ये देखो क्या होता है अनस्टेबल, तुरंत इसको तोड़ देंगे किसमें H2O+CO2 में, रिएक्शन बैलेंस कर लेना। ऐसे इधर भी देखो ध्यान से अमोनियम फॉस्फेट है ना, अमोनियम हाइड्रोजन फॉस्फेट, ऐसे ये वाला कंपाउंड है, इसको भी देखो मैंने क्या बोला था, अमोनिया निकाल लीजिए, अमोनिया नगर निकाल दीजिए और बाकी जो बचा हुआ पार्ट है उसका एसिड बना दीजिए, एसिड क्या हो गया देखो H3PO4, क्लियर हो रहा होगा H3PO4 आपका एसिड इधर से आके बन गया। ऐसे फिर देखो लास्ट वाला भी है ना, क्या निकाल देंगे देखो अमोनिया NH3 निकाल देंगे और प्लस हाइड्रोजन फॉस्फोरस ऑक्सीजन का कॉम्बिनेशन का एसिड क्या हो गया H3PO4। तो आई होप ये ट्रिक भी समझ में आ गई होगी बहुत अच्छे से ठीक है ना। इसके अगले पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे हीटिंग इफेक्ट ऑन मेटैलिक नाइट्रेट।